मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के तहत जिला समाहरणालय सभागार में उपायुक्त संदीप सिंह ने प्रेस वार्ता कर मीडिया प्रतिनिधियों को जानकारी दी कि रामगढ़ जिले में 22 फरवरी से 27 फरवरी तक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के तहत फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस दौरान सभी को यानी कि एक वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को छोड़कर फाइलेरिया रोधी दवा खिलाई जाएगी। फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जिले में लगभग 10,22,173 लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा खिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए जिले भर में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित कुल 2,044 बूथ बनाए गए हैं। बूथ पर कार्य करने के लिए 489 स्वास्थ्य कर्मियों तथा कार्यक्रम को सफल संचालन हेतु 409 सुपरवाइजर चिन्हित किए गए हैं। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर साथी घोष ने मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि इस बार कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए जिला प्रशासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि लोगों को बूथ पर ही दवा खिलाई जाए। रामगढ़ जिले के प्रत्येक व्यक्ति को जिनकी उम्र 2 साल से कम नहीं है, मतलब सिर्फ 0 से 2 ईयर्स वालों को छोड़कर और प्रेग्नेंट लेडीज़ और कोई क्रिटिकल बीमारी से जूझ रहे लोग हैं उनको छोड़कर सभी को फाइलेरिया प्रतिरोधक ये दवा इन 2044 बूथों पर दी जाएगी। प्रत्येक बूथ पर 2-2 स्वास्थ्यकर्मी होंगे जो कि लोगों को वो दवा वहीं बूथ पर खिलाने की व्यवस्था करेंगे। रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स, मॉनिटरिंग टीम्स, फ्लाइंग स्क्वाड वो जिला स्तर से गठित किया गया है ये इंश्योर करने के लिए कि हर एक आदमी को हम लोग फाइलेरिया की ये दवा निर्धारित बूथ पर उसी समय निर्धारित प्रोटोकॉल के हिसाब से खिला सकें। ये ज़रूरी इसलिए है कि सितंबर और अक्टूबर 2020 में जो सर्वे इस चीज़ का किया गया कि हमारे यहाँ फाइलेरिया का प्रिवलेंस क्या है, तो 234 केसेज हमारे यहाँ फाइलेरिया के और लगभग 50 केसेज हैं शायद हाइड्रोसिल के, तो ये प्रिवलेंस नॉर्मल से ज़्यादा पाया गया है और इसीलिए ये निर्णय स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया है कि रामगढ़ जिले में ये MDA का कार्यक्रम होगा। आपके माध्यम से